वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज दूसरा दिन हमारा यहाँ श्रीनगर में और हम यहाँ से जाने वाले हैं गुलमर्ग। और देख लो सारी पैकिंग वापस से हो चुकी है, सब लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बज रहे हैं 11:11, तो काफी ज्यादा टाइम हो गया, दोपहर हो गई, बट हम कोशिश करेंगे कि गुलमर्ग में हम रुके, क्योंकि यहाँ से जो भी गाड़ी जा रही है वो यही कह रहे हैं कि वापस आने का भी उसमें इंक्लूडेड है पैसा, लेकिन हमें वहाँ रुकना है क्योंकि गुलमर्ग के लेने हैं हमें मजे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, अभी तक सिर्फ वीडियोस में देखा है, अभी तक हकीकत में नहीं देखा है, तो हकीकत में देखेंगे आज। और वादियों में जाने का अलग ही ख्वाब होता है, अलग ही मजा होता है, अलग ही फील होता है, तो पूरा फील लेंगे। चलते हैं यहाँ से। यह हमारे रूम की बालकनी है, मतलब विंडो है, विंडो से ये कुछ ऐसा नज़ारा है पिच्छू का, समझ रहे हो भाई साहब। और ये हमारा रूम है, रूम अच्छा था, नींद अच्छी आई, बेड में ये इलेक्ट्रिक दिया हुआ था कि बेड हीट हो जाता था, तो ये भी काफ़ी ठीक था, मतलब मज़ा आया। रुक के यहाँ 1000 रुपये रेंट था, बाकी जिससे भी आप बात करते हो यहाँ कन्विंस के लिए तो बार्गेन कर लेना और 2-3 जगह पता कर लेना और, क्योंकि यहाँ भाई साहब बेवकूफ़ बहुत बनाया जाता है, बता रहा हूँ। 1800 रुपये में हमें यहाँ से तंगमग तक ले जाएंगे। और हम इस होटल में रुके हुए थे, कैपिटल ओ नाम है इसका, मतलब कैपिटल ओ तो वो है, सिटसंस रॉयल नाम है इसका, जो कि भीशंबर नगर में पड़ता है श्रीनगर, और ये हमारा ओयो है होटल। बाकी वेट कर रहे हैं गाड़ी का, जैसे ही गाड़ी आएगी यहाँ से निकल जाएंगे तुरंत टंगमर के लिए। तो हम लोग गाड़ी से निकल चुके हैं टंगमर के लिए और ये भैया हमें ले जा रहे हैं। तो हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए, प्योर 100% वेज रेस्टोरेंट चाहिए था क्योंकि हमारे फैमिली वाले प्योर वेज हैं, किसी भी टाइप का नॉन वेज नहीं खाते, तो इसीलिए यहाँ पे रुके हुए हैं प्योर 100% वेज खाने के लिए। रेट भी बकायदा सही है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, 15 रुपये की चाय, नॉर्मल 50 रुपये का पराठा, तो काफ़ी अच्छी जगह थी। ये टोपी पास आदमी, मस्त मज़ा आ रहा है। हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग की तरफ, इधर है गुलमर्ग, ये रास्ता जाता है गुलमर्ग टुंगमर्ग, ठीक है, तो जाएंगे हम टुंगमर्ग तक। इससे थंडर टर्बो हायाबुसा नीचे सिंबल बना रखा है इन्होंने यहाँ पे, देखिए आप। बस बाकी गुलमर्ग में दिखाते हैं आपको खूबसूरती। ये है टुंगमर्ग और यहाँ से गाड़ी हमने चेंज कर ली है, अभी ये भैया हमें ले जाएंगे गुलमर्ग तक। पूरी गाड़ी बुक कर ली है हम लोगों ने, 500 रुपये किराया है, बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा है, सीन देखिए आप। ये वैसे बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे इसे अभी, बहुत ज्यादा का मतलब क्या होता है आगे बताते हैं ना ऋषि। भाई क्या सीन है, वाह क्या सीन है। गलत गेयर लगेगा इस बार, अबे ये पागल हो क्या, ये ऋषि के बीच में गेयर, पर गेयर लगेगा बस सही गेयर लगे। सही गेयर लगाइएगा। तो हम लोग गुलमर्ग आ चुके हैं और 500 रुपये लगा टैक्सी का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, वहाँ टैक्सी सब लोग आ रहे हैं। ये सहारा होटल है, इसमें हमने बात की, 2000 रुपये पर रूम हमें मिल रहा है, 3 लोगों के लिए एक रूम ले लेंगे, मतलब 2 रूम में हमारा काम हो जाएगा। तो सब लोग आ रहे हैं, वो भैया आ रहे हैं, पीछे भाभी मम्मी ऋषि और ऋषि की मम्मी भी हैं, तो अभी अंदर जाएंगे। रूम सही था, मतलब इस यहाँ के हिसाब से तो रूम सही लगा मुझे, साफ़ सुथरा है। बाकी चलते हैं, ध्यान से चलिएगा। उसको पैसे तो नहीं दिए थे? नहीं, ठीक है, 500 रुपये दिए, ठीक है। मज़ा आ रहा है यार अभी से, आराम से। तो रूम हमने ले लिया है, 2000 रुपये का हमें रूम मिला, 2500 रुपये बताया गया था, लेकिन 2000 रुपये में भैया ने दे दिया फाइनली। और सीन यहाँ का देखिए आप, मतलब लेवल ही अलग है यार, मजा आ गया देख के ये। और खिड़की खुलती है यहाँ की, तो खिड़की खोलते हैं जरा, वाव कुछ ऐसा सीन है, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। देखो स्टैंड्स, ये गया रे गजब, गिरा नहीं, स्टैंड मार रहे। कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, कोई कमी तो नहीं है? अरे वो आदमी कैसा, इधर इधर कैसा लग रहा है? मस्त एकदम, ओहो कितने खुश है। तो ये हमारा रूम है, यहाँ एक सोफा पड़ा हुआ है, यहाँ दूसरा सोफा पड़ा हुआ है, 2 लोग बैठ सकते हैं, यहाँ बेड है, साफ सुथरा है काफी,
टीवी भी मिली हुई है, वो भी एक्सपीरिया है, लेकिन ये सोनी नहीं है, ठीक है, ये किम है, किम एक्सपीरिया। दूर से मुझे केटीएम। और बाथरूम कुछ ऐसा है, बाथरूम में हमें मिल गया गीजर, साफ सुथरा है, गंदा नहीं है, ये कहेंगे हम, ठीक है, काम चल जाएगा। यहाँ पे अलमारी, अरे ब्लैंकेट, वाह भाई वाह। तो अभी होटल से निकल रहे हैं। वो तो नहीं लगा इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट? नहीं भैया, सब निकला हुआ। चाबी अपने पास रख। हाँ हाँ, चाबी रख, ठीक ठीक। ये बर्फ ले ली हमने, इसको पीछे रख लेते हैं। ऋषि इधर। अच्छा बर्फ ऊपर से झाड़ो नहीं गीली हो जो ऊपर से झाड़ो। अरे कोई नहीं, बर्फ मेरी जैकेट बेकार वाली है बे। देख रहे हो ना, हमसे बैठ के यहाँ पे बैठे हम लोग गुलमर्ग की वादियों में, और कावा मंगाई हमने यहाँ की फेमस, जैसे हम लोग की चाय है वैसे यहाँ कावा है। अभी इसने बताया, मेरे को पता नहीं था ये सब। देखो ऐसे, और ये सेल्फी ले रहे हैं, आज इनकी एनिवर्सरी है, यहाँ पे एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। बाकी धुन देखिए क्या सेक्सी हो रहा है मौसम, ऐसी वादियों में बैठ के ऐसे चिल करना। तो कावा आ गई है और इसको एंजॉय करेंगे हम। इस वक्त क्या था ना आपके पास जिला, ठीक टेस्ट है यार। ये मौसम हो गया बहुत खतरनाक, पूरी धुंध हो गई है और अब कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब पास में भी ये कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा धुंध ही धुंध है। आप देख लो, जब आए थे तो सब क्लियर विजन था, बट इस टाइम सिर्फ धुंध है। सिर्फ ले रहे हैं मजा चलने का, बस मार्केट टहल रहे हैं, मार्केट एनालाइज कर रहे हैं कि यहाँ बार्गेन कैसे बनना है या रेट कैसे हैं, किस हिसाब से हैं। ऐसे तो अभी एक आदमी ने हमें पकड़ा था, उसने कहा 2500 रुपए दीजिए, 6 प्लेसेस है घुमा देंगे, ये मंदिर है, ये चर्च है, लेकिन सब हमारी आंखों से दिख रहा था, मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में सारी चीजें हैं, आप चाहो तो वॉक करके भी जा सकते हो। तो हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ। 2-3 चश्मे गॉगल्स खरीदने हैं क्योंकि हमारे पास गॉगल्स नहीं है। बस स्टैंड भी है, यहाँ तक बस भी आती है, तो आप लोग बस से भी आ सकते हो। थोड़ी बहुत फोटोज यहाँ पे क्लिक हुई हैं, जिसको फोटोज देखनी है वो इंस्टाग्राम पे जाए, फटाफट फॉलो करे और फोटो देखे। एक बहुत ही मस्त चीज दिखाता हूँ आपको। ले ले ले, ओ आजा आजा, तू तू आजा, डर रहा है। आ जाओ। 100 किलो, डर रहा है। ये यहाँ की मार्केट है गुलमर्ग की, कुछ सामान लेना है, थोड़ा सा सामान देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। चल अंदर करो, लगा लो भाई, एक बार ठीक है, कुछ लगी इससे लगी सही लग रही है। कैसे लग रही है? अरे छोट कैसे, अरे कैसे लग रही है? यो बंटा रैपर लग रहा तुम। आपको कौन सा चश्मा? हम लोग ने यहाँ कुछ शॉपिंग कर ली है, ये डिकैथलॉन वाले ग्लव्स हमें मिल गए 350 रुपए के हिसाब से। तो है, अरे नहीं है, लेकिन ग्लव्स मिल गए हैं, पोलर 350 के ग्लव्स इसने भी ले लिए हैं। ठंडी नहीं जा रही इसमें, मतलब ठंडी अंदर नहीं जा रही, ठंड नहीं लग रही हमें। चश्मा लिया मैंने 1500 का मस्त एक, और मम्मी लोगों के लिए थोड़ा सामान ले लिया है, कैप वगैरह, तो 3300 रुपए का चूना लगा लिया हमने। गाड़ी देखिए कहाँ खड़ी है, 1 Life Baby। भाई इग्लू बना दे क्या यहाँ ऐसे है, क्या बोलता? अरे इसको देखो भाई। इधर 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 देखो, क्रिकेट टीम में तो नहीं थे तुम? सांस से आवाज ही नहीं निकल रही है इसकी। वो कौन था, राहुल द्रविड़ की जैसा लग रहा हूँ। तो अभी जा रहे हैं वापस रूम में, मम्मी लोग को लेके आएंगे, खाना पीना खाएंगे, शाम हो ही गई ऑलरेडी, तो थोड़ी देर बाद वैसे भी रूम पे इन लोगों को छोड़ देंगे, फिर टहलेंगे ऋषि के साथ। और ये रहा हमारा चमन, चमन पांडू चमन आ जाओ। ये हमारे ग्लव्स हैं और इसका फायदा देखिए आप, ना हाथ ठंडा होगा ना हाथ गीला होगा। ये बस ऐसे गिरना था तुम्हें। हम लोग वापस जा रहे हैं कुछ खाने के लिए सबको लेके, बहुत ठंडी है, ठंड बढ़ रही है। तो ये है कश्मीरी पुलाव, जिसकी अनबॉक्सिंग करेंगे मिस्टर ऋषि, और ये ऐसे खोलेंगे, इसके साथ यूजर मैनुअल मिला। ओ वाह, अरे बादाम भाई, सबसे महंगा तो बादाम है मैं लग रहा हमको।
सही बात है, ये कश्मीरी बादाम है ना भाई, खा के देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ कश्मीरी बादाम है, इसका टेस्ट मैंने किया लगभग कटरा में। यही आंटी खा ली है। इधर आ गया शाही पनीर, मटर पनीर, कश्मीरी पुलाव, पनीर पराठे। इधर देखो, तो अभी बज रहे हैं रात के 9:30। हम लोग ऋषि और मैं निकले हुए थे यहाँ कावा पीने के लिए, जो फेमस है यहाँ का, 30 रुपए का कावा है। बाकी यहाँ पर जो घूमने की जगह है वो 6 पॉइंट हैं जो हमें यहाँ पे बात कर रहे थे घुमाने के लिए, जिसका 2500 पर हेड ये चार्ज ले रहे थे। तो हमने अभी नहीं लिया है क्योंकि जितने भी पॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं, आस ही पास हैं, 1-1.5 किलोमीटर की रेंज में। तो इतना तो हम लोग ने ट्रैक किया हुआ है, आराम से पैदल जा सकते हैं। तो कल मॉर्निंग में हमने सोचा कि पैदल जाके हम देखेंगे और आसपास के नज़ारों का भी मज़ा लेंगे। बाकी सीन देखो आप यहाँ का, ये पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है और सन्नाटा हो चुका है क्योंकि 9:30 बज रहे हैं, ये इधर मज़े ले रहा है। तो अभी जाएंगे, रेस्ट करेंगे, बेड गरम करेंगे और सो जाएंगे। फिर मॉर्निंग में जो भी एडवेंचर चीज़ें हैं लाइक स्कीइंग वगैरह, वो सारी आपको देखने को मिलेंगी अगले पार्ट में। तो व्लॉग में बने रहना, अगला वीडियो देखना मत भूलना। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी फोटोज़ के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करो फटाक से, इंस्टाग्राम पर फोटोज़ मिलने वाली हैं बहुत मस्त मस्त। सी यू, बाय बाय। घंटा भैया टन टनाटन, घंटा भैया टन टनाटन, टन टनाटन घंटा बजाना है आपको। मंदिर का नहीं, मंदिर का तो अपने घर का बजाओ। नोटिफिकेशन बेल बेल और बाय।